और इस वक्त खबर उत्तराखंड से, जहां पर स्वामी रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण, जो कि पतंजलि आयुर्वेदा के एमडी हैं, उनकी तबीयत बिगड़ी है और बताया जा रहा है कि उनको ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका हालचाल जानने के लिए कई सारे नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और इस वक्त उत्तराखंड के विधानसभा के अध्यक्ष भी वहां पर उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले ऐसी खबर आई कि उनको दिल का दौरा पड़ा, मगर R9 टीवी से स्वामी रामदेव के प्रवक्ता SK तिजारावाला ने बात की और उन्होंने कहा कि दरअसल दिल का दौरा नहीं पड़ा है, उनको फूड पॉइजनिंग हुई है। हालांकि इस वक्त उनकी हालत काफी स्थिर बताई जा रही है, एम्स की तरफ से पुष्टि जरूर की गई है कि उनको भर्ती किया गया है। हालांकि इस वक्त उनकी हालत बेहतर हो रही है, जाहिर तौर पर उनके चाहने वाले और सभी लोग इस वक्त यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के वो घर लौटें। दरअसल आज वो पतंजलि के अपने दफ्तर में काम कर रहे थे कि अचानक उनको सीने में दर्द की शिकायत हुई और उसके बाद में उन्हें ऋषिकेश के एम्स में भर्ती किया गया था।